सर एक एक साल से पुराना सौ मिला है, क्या मामला था और क्या संज्ञान में किस तरीके से कार्रवाई की गई? मतलब मुकदमा नंबर 160/2023 पुलिस थाना सदर का प्रकरण था, जिसमें खरता राम का तब परिवार में मुकदमा दर्ज कराया था पहले कि भाई एक साल से इसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और चुनाव से पूर्व भी जब चुनाव शुरू हुए थे तो परिवार धरने पे बैठा था कि साहब हमारे प्रकरण नहीं, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये बात मेरे संज्ञान में जब आई थी और मैं आयत ज्वाइन किया जब भी, तो मैंने मौका देखा और विशेष टीम गठित की। प्रकरण ये घटना पूरी 2-3-4 मई 2023 की घटना थी। खरता राम तो जो इसकी पत्नी थी, जो इनके आपस में आटा साटे का था, तो पत्नी पहले घर पे नहीं आ रही थी, तो परिवार वालों को कहा कि भैया अलग रहेगा तो मैं आएंगे। तो उसकी पत्नी थी जो 2 मई 2023 को आई, 2 और 3 तारीख को रही और 4 की रात्रि को ये घटना घटित कर दी गई। उसके बाद परिवार वालों ने पहले उसमें गुमशुदगी दर्ज हुई, 11 नंबर हुई, और उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ 12/5/2023 को 160/2023 में। और पुलिस द्वारा पहले प्रयास किया जा रहा, अलग अलग वो था कि परिवार वाले पहले शुरू में ये दे रहे थे कि साहब उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसकी पत्नी द्वारा उस जो निवास है वहाँ कुआड़ी से वार के थे और पैदल पैदल जहाँ जाने थे वहाँ भी खून के निशान थे, और पुलिस उसमें प्रयास कर रही थी, अलग अलग एंगल में थे। पुलिस का भी अलग एंगल था, साहब ये पहले भी गायब हो सकता है और ये गायब भी हो गया, और ये भी था, और इसके FSL भी जांच करवाई टीम। फिर दोबारा जब परिवार मिले, जब हमने एक विशेष टीम गठित की और ये लग गया कि भाई ये घटना अवश्य कारित की गई है, खरता राम अगर वो होता तो मिलता, एक तकनीकी टीम बनाई और CO साहब और एडिशन साहब ने तो एक टीम गठित की, और जो परिवार जो पहले चुनाव से पहले मिला था उनको हमने ये टाइम दिया था कि हम 15 मई 2024 तक उस घटना का पर्दाफाश कर देंगे। उसमें हमें सफलता मिली। जो खरता राम की पत्नी थी उसके साथ का ही जो पढ़ने के टाइम के एक लड़का दिनेश कंगाव का था, दिनेश, तो वो जो घटना 3 मई 2023 को भी परिवार में जैसे कोई वहाँ एक जागरण था वहाँ भी आया हुआ था, और वो संदिग्ध लग रहा था पुलिस का। फिर तकनीकी टीम से लिया काफ़ी प्रयास, क्योंकि साल भर टाइम मिल गया तो अलग अलग बहाने बना के साक्ष आ रहे थे, क्योंकि खरता राम की बॉडी उस समय तो मिली नहीं थी। फिर ये चीज़ पूरी तरह पुलिस से सिद्ध हो गया कि भाई इनके द्वारा ये घटना वारित की है, तो इन्होंने उसको गिरफ्तार किया और इसकी इतला से खरता राम की जो इस कगाव जो है उसका गांव वहां से इसकी बॉडी बरामद की, और मेडिकल टीम द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जो और इसकी पत्नी है, अभी हमने दिनेश को गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी और जो मोटरसाइकिल में जो इसको साथ ले जाने उनको भी तुरंत ही गिरफ्तार किया जाएगा। और प्रकरण में पुलिस की टीम ने एक अच्छा सहयोग करके एक साल बाद इसका हत्या का पर्दाफाश किया। सर हत्या करने के पीछे क्या वजह रही? हत्या के पीछे जो इसकी पत्नी है मेन, स्कूल के समय थे उसके संबंध, ये कहो जो इलीगल टाइप के संबंध के तथ्य आए, परिवार द्वारा भी ये कहा गया था, एक दूसरे पर और भी आरोप लगे थे भाई ये आदमी हो सकता है ये है, और वो रहना नहीं चाहती, 3 दिन ही रही है, 3 दिन में घटना कारित करके वो अपने दूसरे दिन जैसे अपने घर परिवार के पास है। सर इतना बड़ा मामला हो गया, जब नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला परिजनों दर्ज कराया, उसके बावजूद भी पुलिस का ये, मैं ये सत्य बिल्कुल सही स्वीकार करूंगा, उसमें पूर्व में जो आईओ थे उनकी जरूर कमी रही होगी। उनका एक एंगल ये हो गया कि साहब ये जैसे ही खून वहाँ तक रोड तक गया तो ये खरता राम कहीं ना कहीं चला गया है, पहले भी इस तरह की हुई होगी कि 5-6 महीने बाद आया, वो एंगल से पुलिस ने वो किया, स्टिक थोड़ी कोई कमी रही उसमें। दूसरे एंगल परिजनों ने सर पूरे एक आरोप लगाए थे कि भाई ये इस तरीके की घर से सेंट गायब है, इस तरीके बूट गायब है, वो बूट पहन के गया, सैंपल है वो, एक साल बाद आप एविडेंस के लिए आपको पता होगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, परिवार ने जो लगा बिल्कुल तथ्य था, वो पैदल आया, उसके बाद जो ये दिनेश है जो मृतक के ही जूते पहन के वो चल गया, तो वो उस एंगल में राकेश साहब ही जूते पहन के गया है। उसमें भटकाने का काम, मतलब जो मुलजी में बड़े शातिर प्रवृत्ति के आदमी है, जो पूरा भटकाने का काम किया उन्होंने। जो जांच में जो पुलिस कर्मी रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? पुलिस में भी इसकी जांच कराएंगे, जिन्होंने भी लापरवाही बरती है इसकी अलग से जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक की कार्रवाई में कितनी मुलजी बन रहे हैं, कितनी सामने आए? अभी तक की जो तफ्तीश मोटा मोटा आ रहा है कि इसकी पत्नी और एक जो मोटरसाइकिल पर ले जाने वाला व्यक्ति है, वो 3 व्यक्ति का अभी तक। सर जांच में क्या बात सामने, उन लोगों ने हत्या किससे की है, कैसे हत्या? हत्या का मेन जो है इसकी पत्नी और खरता राम की आपस में, ये कोई अपने जो चारा काट के आया वो
उसके बाद नया खाना खाया, तो इसी बात में जो पहले जागरण की बात में लेके एक रात को जागरण पे कहीं पड़ोस में गई थी, उसमें आपस में इनकी कहा सुनी हुई दोनों की, तो कहा सुनी होकर दोनों भाई ये तो आप क्यों गए वहाँ गए, तो इस कहा सुनी के चक्कर में और चरित्र के ऊपर शक के ऊपर में इनकी कहा सुनी हुई। फिर उसकी पत्नी ने इस दिनेश को फ़ोन किया, दिनेश अपनी मोटरसाइकिल से जो रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी करके पैदल अपने घर आकर उन्होंने वारदात की, कुल्हाड़ी से वार किया, उसकी पत्नी ने उसका सहयोग किया। और फिर उसके बाद जो ये भाई मर गया तो एक रैगजीन के टाइप के जो अपनी गाड़ी में उसको पैक करके जो दिनेश है जो अपने खुद की बॉडी मतलब भारी है तो उठा के रोड तक लेकर एक साथी के द्वारा जिसमें अभी पुलिस कर रही कार्रवाई मोटरसाइकिल पर डालकर उस कुएं में अपने जो गांव में उसमें उसको डाला। साथी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हाँ साथी को अभी ले लिया, पुरासन तफ्तीश कर रहे हैं उसको। बॉडी की सर क्या हालत और अन्य भी इसमें अभी तक तफ्तीश में तीन का ही मोटा मोटा रोल आया है, इन्हीं का जो आया है परिवार का। तो सर ये सब जो मिला है गांव के बीचों बीच मिला तो क्या इसको लेकर भी है कि गांव के लोगों को कुछ भनक लगी हो इसमें? नहीं लगा, उसने इस तरह रैगजीन का किया जो बदबू उदबू टाइप अपन मानते जो आई वो नहीं आई भाई, जैसे इस तरह का रैगजीन में पैक करने के बाद पूरे बॉडी और उसे नस जो हड्डी उड्डी टाइप है वो बची पूरी बॉडी इसमें वो हो गई। अभी क्या एफएसएल और जो पोस्टमार्टम करोगे किस तरीके का पोस्टमार्टम करोगे? नहीं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे और जो भी एफएसएल की जो भी प्रक्रिया होती है लेंगे डीएनए टेस्ट का वो सारी चीज़ कार्रवाई कर रहे हैं।